हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तीखा स्वाद। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट सी करेले की सब्जी, जो आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम यानी पाव भर करेले लिए हैं। उन्हें अच्छे से धोने के बाद इस तरीके से गोल गोल आपको कट कर लेना है, पतली पतली स्लाइसेस में। देखिए, इस तरीके से सभी करेलों को सेम तरीके से आपको कट कर लेना है। फिर इसके बाद 5 मिनट तक आपको इसको रख देना है, जिससे इसमें पानी हो तो वो झड़ जाए। उसके बाद आपको इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। तो मसाले में सबसे पहले मैं 3 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है, तो ये आपको इसमें ऐड करना रहेगा। तो ये मैंने 3 चम्मच इसमें बेसन ऐड किया है। इसके साथ ही हमको इसी टाइम पर इसमें सारे मसाले भी ऐड कर देने होंगे। तो मसाले में आपको नॉर्मल जो घर में यूज़ होते हैं वही मसाले ऐड करने हैं। तो अभी मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम इसमें रेड चिल्ली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दिया है 1/2 चम्मच। और इसके साथ ही अभी हम इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको अब अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये अच्छे से कोट हो जाने चाहिए बेसन से, इस तरीके से। अब चलिए इनको फ्राई करना है। तो इसके लिए देखिए, मैंने 1.5 चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसको अच्छे से गर्म हो जाने दें। इसके बाद हम इसके अंदर 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। साथ ही 1/2 चम्मच से थोड़ी मैंने इसमें राई ऐड कर दी है। इसके तड़क जाने के बाद इसके अंदर हम जो कोट करे हुए हमारे करेले हैं वो ऐड कर देंगे। देखिए, इस तरीके से आपको सारे करेले अभी ऐड कर देने हैं इसके अंदर। और इसको अच्छे से ऑयल के अंदर मिक्स कर लेना है आपको, धीरे धीरे चलाते हुए। इस तरीके से आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इसको बिल्कुल मीडियम से कम गैस के ऊपर ही आपको पकाना है। इसको ज़्यादा गैस पर नहीं पकाना है आपको। तो इस टाइम पर हमको गैस बिल्कुल कम रख देनी है और इसको पकने देना है, क्योंकि कम गैस पे जितना कम गैस पे आप इसको पकाएंगे ना, उतने ही अच्छे से क्रिस्पी हो पाएंगे। तो इसको आपको कम गैस पे ही पकाना है। तो देखिए, जैसे जैसे ये पकते जाएंगे इनका कलर इस तरीके का होता जाएगा, कोट होते जाएंगे ये, और बहुत ही क्रिस्पी होते जाएंगे। इस टाइम पे आपको चम्मच को कंटिन्यू हिलाना रहेगा, क्योंकि ये इस टाइम पर जल सकते हैं। तो इस टाइम पर सबसे पहले हम इसके अंदर अमचूर ऐड कर देते हैं। खटाई के लिए हम इसमें अमचूर ऐड कर रहे हैं। तो मैंने 1 चम्मच इसमें अमचूर ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसको चम्मच को हिलाते हुए हमें इसको ऐड करने के बाद 1.5 मिनट तक कम गैस पे अच्छे से पकाना है। ये बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। अब गैस बंद कर दें और इसे सर्व करें। ये टेस्टी से हमारे करेले बनकर तैयार हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट।